नमस्कार साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 5 मिनट का भाषण। नमस्ते और सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकों, सहपाठियों और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए। यह दिन हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य योग के महत्व को समझना और इसे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। योग जो कि संस्कृत शब्द युज से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलना, एक प्राचीन भारतीय प्रथा है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का कार्य करती है। यह न केवल शारीरिक व्यायाम है बल्कि एक मानसिक और आत्मिक साधना भी है, जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन में संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। आज से लगभग 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने योग की विद्या को विकसित किया। यह विद्या हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी श्वास, आसन और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ, संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र महासभा में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा। उनके इस प्रस्ताव को दुनिया भर के देशों ने सहस्र स्वीकार किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। 21 जून को योग दिवस मनाए जाने का विशेष महत्व है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। यह दिन ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है और कई संस्कृतियों में इसका विशेष आध्यात्मिक महत्व है। अब बात करते हैं योग के लाभों की। नियमित योग अभ्यास से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, लचीलेपन को बढ़ाता है और शारीरिक संतुलन को सुधारता है। मानसिक स्वास्थ्य, योग हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान और श्वास तकनीकी हमें तनाव और चिंता से मुक्त करती हैं और हमें मानसिक शांति प्रदान करने में मदद करती हैं। आत्मिक विकास, योग हमें आत्मिक विकास की ओर अग्रसर करता है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता है। सामाजिक एकता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें एक साथ लाता है और हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। यह दिन वैश्विक शांति और सद्भावना का प्रतीक है। प्रिय मित्रों, आज के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, प्रतिदिन कुछ समय योग और ध्यान के लिए निकालें और इसके लाभों को स्वयं महसूस करें। योग हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि योग एक जीवन शैली है, एक दर्शन है, सबसे बढ़कर यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक मार्ग है। तो चलिए हम सब मिलकर आज से ही योग का अभ्यास शुरू करें और एक स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्ते। ये जो PDF है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो पसंद आया होगा, उपयोगी होगा। अगर पसंद आए, उपयोगी हो तो इसे लाइक करें, जिन्हें और भी जरूरत है उनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।